सीएम नायब सैनी और मनोहर लाल ने की बैठक। बैठक में चुनाव को लेकर के मंथन भी किया गया। सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतेगी, सीएम के द्वारा ही कहना। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम नायब सैनी और मनोहर लाल ने की है ये बैठक। बैठक में चुनाव को लेकर के मंथन भी किया गया है। तो गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, जहां लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की बैठक। लोकसभा क्षेत्र के पार्टी संयोजक के साथ बैठक की बात सामने आ रही, जहां लोकसभा प्रभारी भी बैठक में रहे मौजूद। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा प्रभारी बैठक में मौजूद रहे। सीएम नायब सैनी और मनोहर लाल ने ये बैठक की। बैठक में चुनाव को लेकर के मंथन भी किया गया। गुरुग्राम से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की बैठक। लोकसभा क्षेत्रों के पार्टी संयोजक के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसकी अध्यक्षता सीएम नायब सैनी के द्वारा की गई। लोकसभा प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे। मैं आपको बता दें, पूर्व सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बीच सभी 10 सीट जीतने का दावा भी सीएम नायब सैनी के द्वारा किया गया। तो लोकसभा प्रभारी बैठक में रहे मौजूद। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा में, जहां बीजेपी के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया। सभी हमारे 10 लोकसभा के प्रमुख कार्यकर्ता आज बुलाए थे, और हमारे जो लोकसभाओं के संयोजक हैं, हमारे प्रभारी हैं, और सबसे बैठ करके आगामी कार्यक्रमों को लेकर के चर्चा, आगे हमने क्या करना है, और हमारी जो रैलियाँ हुई हैं और कार्यक्रम चलने वाले हैं, नॉमिनेशन के कार्यक्रम आने वाले हैं, उन सब बातों को लेकर के चर्चा की है। और जो हमारी रैलियाँ हैं, लगभग 31 रैली हमारी हुई है, बाकी की रैलियाँ जो बची उनकी डेट तय हो गई है। लगभग उन रैलियों को भी हम 90 विधानसभाओं की रैलियों को पूरा कर लेंगे, और इसी को हमने और भी, चाहे हमारा शक्ति केंद्र का प्रवास है, हमारे नीचे के कार्यक्रम है, विधानसभा स्तर के ऊपर की जो रचना योजना है, उन सब बातों को लेकर के चर्चा है। सर, 9 में अलग उनकी तारीखें तय हो गई हैं, और हर तारीख पे, क्योंकि 30 तारीख को जैसे नॉमिनेशन होगा, 1 तारीख को अम्बाला में, और सभी जगह डेटें तय हो गई हैं, और 6 तारीख को करनाल के अंदर आदमी मनोहर लाल जी और मैं दोनों की कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों के जो हमारे संयोजक हैं, प्रभारी हैं, जो कि अंतर्गत काम को बांट करके सब काम किए जाते हैं, तो प्रभारी और जो हमारे लोकसभा के संयोजक हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है पूरे चुनाव को आगे बढ़ाने में, लड़ने में। उनका सबका फीडबैक और क्या अभी तक हमने कर लिया है, एक एक स्टेप सारे काम का किया जाता है, और क्या आगे और करना है, उसकी खुलकर के सारी चर्चा हुई है। और हमारी जो विधानसभा की रैलियाँ चल रही हैं, 31 कितनी हो गई, 31 रैली हो गई है, और शेष जो 59 और बची हैं, वो भी 10 मई तक वो सब हो जाएंगे। ये 29 तारीख को सबसे पहला नॉमिनेशन गुरुग्राम का होगा, और 6 मई को नॉमिनेशन करनाल का हमारे दोनों प्रदेशों के जिम्मे जो लगाया, तो हम दोनों उसको निश्चित रूप से 6 मई को अपना नामांकन पत्र भरेंगे, और बाद में रैलियाँ 10 तारीख तक सब कम्प्लीट हो जाएंगी। 10 के बाद सब लोग अपने अपने काम में जो रूट लेवल का काम उसको कराएंगे, और निश्चित 25 तारीख तक पूरा जो मंथन है वो सब हो जाएगा। लेकिन हमें बड़ा ताज्जुब ये है कि सारी जो कबड्डी का खेल या कुश्ती का काड़ा, ये वन साइड चल रहा है, सामने कोई है नहीं, फिर भी आखिर अच्छा अभ्यास भी है, अच्छी वर्जिश भी हो रही है, हमारे कार्यकर्ता उत्साह में, जनता उत्साह में है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कमी है नहीं। अगर कमी है तो एक ही है कि सामने प्रत्याशी घोषित हो जाए, उधर आज कुश्ती में मजा ज्यादा आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने का आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आखिर जब उन्होंने कई बार कह दिया, और आज फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि हमारी 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल विधानसभा सीट 11 कमल, ये हरियाणा की धरती पर 4 जून को ये खुलेंगे।